चाणक्य IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विद्यार्थियों से संबंधित है और इस विषय का नाम है परख, जो बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विषय है। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। परख सभी बोर्ड परीक्षाओं में एकरूपता लाने के लिए एक नया कार्यक्रम है और ये इस कार्य के लिए नए नियामक भी पेश करेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों का आंकलन करने के लिए एक बेंचमार्क ढांचा तैयार करने की योजना बनाई है। इस योजना का नाम ही है परख। यह राज्य और केंद्रीय बोर्डों में एक समानता लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए काम करेगा। वर्तमान समय में मूल्यांकन के अलग अलग मानक हैं, उनका भी पालन करेगा और ऐसे नए मूल्यांकन के मानक लेके आएगा जिससे जो स्कोर को नापने में असमानताएं होती हैं उनको कम किया जा सके। तो बेसिकली ये पूरे ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट में एक रूपता लाने के लिए ये कार्यक्रम है। तो चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल में हम समझ लेते हैं कि परख क्या है। परख समग्र विकास के लिए ज्ञान के प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण से संबंधित है। ये समग्र रूप से देखेगा कि बच्चों का प्रदर्शन कैसा हो रहा है और भविष्य में उसको कैसा सुधारा जाना चाहिए, उनका मूल्यांकन करेगा, उसकी समीक्षा भी होगी और विश्लेषण भी अच्छे से होगा। इसके साथ ही यह NCERT के एक घटक के रूप में काम करेगा और NCERT के घटक के रूप में यह राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण को करवाने में भी मदद करेगा। अब ये दोनों सर्वेक्षण क्या है? ये दोनों सर्वेक्षण एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बच्चों की शिक्षा के परिणामों का परीक्षण करता है, ईयर वाइज या किसी भी पर्टिकुलर 6 मंथली 3 मंथली कि कैसे उनके परिणाम रहे हैं। तो ये काम करेगा ये NCERT के साथ मिलकर। इसके साथ यह बेंचमार्क मूल्यांकन जो ढांचा बनाया गया है परख के तहत, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हाल ही में 2020 में आई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक परिकल्पना की गई थी कि हमारे भारत के बच्चे रटकर पढ़ते हैं और उस विधा को समाप्त करने की ज़रूरत है। तो इसकी तरफ भी ये प्रयास करेगा कि बच्चे रटाफिकेशन छोड़कर चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें, इसमें भी ये काम करेगा। परख प्रस्तावित कार्यान्वयन एजेंसी NEP प्रस्ताव का भी हिस्सा है, यानी कि ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और NCERT दोनों का ही हिस्सा है। अब हम देखेंगे कि और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि विशेष हैं और बाकी चीज़ों से या प्रेजेंट समय की व्यवस्था से शिक्षा को दूर करती हैं। तो इसमें साल में 2 बार परीक्षा और गणित के 2 तरह के पेपर की बात की गई है। अधिकांश राज्यों ने वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा के आयोजन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ये प्रस्ताव था उस पर अपना समर्थन दिया है, जिसमें छात्रों को उनके स्कोर में सुधार करने में मदद करने के लिए एक परीक्षा शामिल की गई है। तो मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरे साल में 2 बार परीक्षा का प्रस्ताव है उसको ऑलमोस्ट सारे राज्यों ने सहमति इस पर जता दी है। इसके साथ ही गणित पर 2 प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे और ये प्रस्ताव भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही है और इस प्रस्ताव पर भी राज्यों ने सहमति जता दी है। इसमें एक परीक्षा मानक परीक्षा होगी और दूसरी परीक्षा जो है उच्च स्तरीय योग्यता का परीक्षण करने के लिए होगी। इस पे भी राज्यों की सहमति है और इन चीज़ों पे भी परख काम करेगा। अब हमें ये देखना होगा कि जो बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर किए जा रहे हैं उसके हमें फ़ायदे क्या होंगे, उनके हमें क्या लाभ होंगे, ऑल ओवर हमारे मतलब पूरे देश के बच्चों को इससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि छात्रों में गणित का जो भय है, बहुत सारे बच्चों में मैथ्स का भय होता है, उनको मैथ्स का नाम सुनते ही डर लगता है, बहुत सारे ट्यूशन लगाने के बाद भी वो डर की वजह से पास नहीं हो पाते हैं, तो वो डर कम करने में और मैथ्स को सीखने में ये प्रोत्साहन का काम करेगा। अब डेफिनेटली जब साल में 2 बार परीक्षा होगी और मैथ्स का परीक्षण पेपर 2 तरह से होगा, तो 2 बार होने से वो बीच में ही आंकलन कर पाएंगे कि हम में क्या कमियां हैं और कैसे सुधार करना है। इसके साथ ही 21वीं सदी की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने मूल्यांकन पैटर्न को बदलने के लिए स्कूल बोर्डों को ये प्रोत्साहित करेगा और उनको मदद भी करेगा।
कि मूल्यांकन का पैटर्न भी अगर बदलने की आवश्यकता है तो उसको बदला जाएगा, और स्कूलों को कौशल विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी ये मदद करेगा। इसके अलावा परख कुछ राज्य बोर्डों के छात्रों की समस्या से निपटने में भी मदद करेगा। अब क्या है कि जब स्कूल से पढ़कर बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कुछ बोर्डों के पढ़े हुए बच्चों को उसमें प्रायोरिटी अपने आप ही मिलती है और कुछ को नहीं मिलती है। जैसे CBSE के स्कूलों से जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनके बड़े कॉलेजों में उनके आराम से एडमिशन हो जाते हैं, और इसके तुलना में जो छोटे राज्यों के या छोटे बोर्डों के बच्चे हैं उनको नहीं मिलता है। तो पूरी शिक्षा पद्धति को एक समान करने में ये मदद करेगा और राज्य बोर्डों के छात्रों की इस समस्या को निपटाने में भी ये मदद करेगा। यह स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर परीक्षणों के डिज़ाइन कैसे बनाने हैं, उनको कैसे संचालित करना है, किस तरह से उनका विश्लेषण करना है और रिपोर्टिंग के लिए तकनीकी मानकों को विकसित भी करेगा और उन्हें लागू भी करेगा। तो बेसिकली ये सारे काम करेगा, डिज़ाइन का, संचालन, मूल्यांकन, विश्लेषण, रिपोर्टिंग का, ताकि हर अगले वर्ष में हमारे बच्चों की पढ़ाई में सुधार हो सके। इसके साथ ही आज का हमारा ये विषय यहाँ समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.